वो जो भी आप देख रहे हैं, ये रैक है, सिस्टम है, कैमरा है, एसी है, डिफ्रीजर है, फ्रिज है, जितने भी है वो सारे अरेंज कंपनी के द्वारा हुई है। मतलब इस फील्ड में आपका जीरो नॉलेज था, बिल्कुल, सब कंपनी ने सपोर्ट किया, कंपनी कैसे दुकान चलाना है, सर आपको ट्रेनिंग गाइड सब कुछ आपको सारा गाइड उन्होंने ही किया। वहाँ से आदमी भी उन्होंने भेजे और एक स्टाफ भेजे जो कि वहाँ यहाँ रह के हम लोगों को ट्रेंड किया और सारा सिस्टम में हम लोग को समझाया कि कैसे क्या हो। हमारे यहाँ हर समय डिस्काउंट होता है। मेरे यहाँ किसी भी सामान को आप उठाइएगा, कोई सामान एमआरपी पे नहीं है। हम हमेशा 5% डिस्काउंट मेरा हमेशा रहता है। अच्छा, फ्रेंचाइजी कैसे लिया आपने, मतलब कितना कॉस्ट लगा इसका? 2.5 लाख। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में। आपने देखा होगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को हमेशा नए नए बिजनेस आइडिया देते रहता हूँ, नए नए बिजनेस के तरीके बताते रहता हूँ, नई नई कंपनियों के बारे में बताते रहता हूँ ताकि उनसे आप जुड़ के उनकी फ्रेंचाइजी लेके आप अपनी बिजनेस की शुरुआत कर सकें। आज के इस वीडियो में हम लोग 7-Eleven के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस कंपनी से जुड़ के अपना सुपर मार्केट अपने शहर में छोटा सा मिनी मॉल कम खर्चे में कैसे शुरुआत कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, कैसे माल खरीदेंगे, कैसे कंपनी जुड़ेंगे, फ्रेंचाइजी कॉस्ट क्या होगा, कितना एरिया चाहिए, कितना का माल लेना होगा आपको, पूरा डिटेल क्या मुनाफा होगा, पूरा डिटेल आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम हैं पटना में और पटना के 7-Eleven की फ्रेंचाइजी में है मैं और मैम हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, उसके बाद से हम लोग बातचीत शुरू करें। मैं 7-Eleven की फ्रेंचाइजी ओनर हूँ, मेरा नाम उपासना शाही है। मैं थोड़ा सा एक बार दिखाएं, अंदर हम लोग घूमेंगे, इसमें विजिट करके पूरा दिखाते हैं कैसे इसको सजाया गया है और क्या क्या सामान है। वो डेली नीड्स की सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक बार दिखाएं मनीष जी कैमरे में सारी चीजें, और एक छोटा सा सुपरमार्केट का लुक दिया गया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये पूरा मॉल के जैसे इसको सजाया गया है। ये कंसेप्ट आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। ये छोटे छोटे बाजारों में आप जब चले जाएंगे तो देखेंगे कि इस तरह का आप छोटे छोटे सुपरमार्केट का रूप में आपको मिल जाएगा, छोटे छोटे मॉल आपको मिल जाएंगे, छोटे से मार्केट में भी आपको कई सारे मॉल मिल जाएंगे। तो आजकल ट्रेंड में है दुकानों से ज़्यादा आजकल इन सब चीज़ों में सेल काफ़ी हो रहा है। मैम कब से ये स्टोर चला रही हैं आप? ये 11 मंथ हुए, 11 महीने हो गए। तो ये क्या एक्सपीरियंस रहा इस कंपनी के साथ जुड़ के आपका? ये कंपनी के को जुड़ने से पहले मैं मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। इससे पहले आप लोग कोई नॉलेज नहीं था, थे ही नहीं बिजनेस में, बिल्कुल नहीं थे। और जब YouTube पे एक ऐसे ही देखते देखते जब मुझे ये 7-Eleven के बारे में पता चला तो हम लोगों ने उनसे बातें की, तो उन्होंने अपने ऑफिस बुला के मुझे सारा कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद हम लोगों को बताया, मुझे अच्छा लगा। तो ये कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है? ये दिल्ली नोएडा में है। नोएडा में है तो ये टोटल स्टॉक जितना भी माल है सब आपने परचेज किया, मतलब जितना भी बजट लगा सब आपका लगा होगा? जी, बजट कंपनी का क्या सपोर्ट रहता है, मतलब कंपनी माल खरीदती है या आप खरीदते हैं? कुछ माल कंपनी भी खरीद के भेजी है और कंपनी का सपोर्ट ये रहा कि कंपनी जितने भी अरेंज किए हैं वो जो भी आप देख रहे हैं, ये रैक है, सिस्टम है, कैमरा है, एसी है, डिफ्रीजर है, फ्रिज है, जितने भी है वो सारे अरेंज कंपनी के द्वारा हुई है। मतलब मेरा ये जानने का मतलब सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि ये सब चीजें आप खरीदे हैं अपने पैसे से? ये पतंजलि का है, ये निविया का है, ये अलग अलग कंपनियों का है, तो जब दूसरी कंपनी बना रही है आप पैसे लगा रहे हैं, फिर 7-Eleven का इसमें क्या रोल होता है? 7-Eleven हम इसके थ्रू ही हम इन लोगों से जुड़े हैं। अच्छा, 7-Eleven? हाँ, 7-Eleven के थ्रू, क्योंकि 7-Eleven का उनसे कांटेक्ट था, उन्होंने हमें सारे अरेंज करके दिए, सारा का डाटा दिए कि ये इनका नंबर है, ये इनका नंबर है, और पहली बार वो सारा वही खुद ही की। मतलब इस फील्ड में आपका जीरो नॉलेज था, बिल्कुल, सब कंपनी ने सपोर्ट किया, कंपनी कैसे दुकान चलाना है, बिल्कुल, सर आपको ट्रेनिंग गाइड सब कुछ आपको सारा गाइड उन्होंने ही किया। वहाँ से आदमी भी उन्होंने भेजे और एक स्टाफ भेजे जो कि वहाँ यहाँ रह के हम लोगों को ट्रेंड किया और सारा सिस्टम में हम लोगों को समझाया कि कैसे क्या हो। ये अभी हम लोग पटना के गोला रोड में है, एक बार एड्रेस यहाँ का बताएंगे? ये पटना गोला रोड है। ये 7-Eleven फ्रेंचाइजी यहाँ पे कैसे लोग पहुँच सकता है थोड़ा सा एक बार बताएं, गोला रोड में कौन से जगह पे हम लोग हैं? हम लोग हैं सोनू मार्केट, सेंट कैडेंस स्कूल के पास है। ये तो यहाँ पे आप आके ये फ्रेंचाइजी आउटलेट देख सकते हैं। और कैसे शुरुआत बेली रोड गोला रोड है ये, यहाँ पे हम लोग हैं और यहाँ पे आके फ्रेंचाइजी मॉडल ये देख सकते हैं। ये आउटलेट है और यहाँ पे देख सकते हैं, हमने देखा है बड़े बड़े मॉल में ऑफर में ज्यादा होते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलते रहता, तो आपके यहाँ ऐसा कुछ? हमारे यहाँ हर समय डिस्काउंट होता है। मेरे यहाँ किसी भी सामान को आप उठाइएगा, कोई सामान एमआरपी पे नहीं है।
हम हमेशा 5% डिस्काउंट मेरा हमेशा रहता है। उसके बाद जैसे रक्षाबंधन है या अभी नवरात्रि चल रहा है, तो इन लोग इन सबों पे जो गिफ्ट आइटम होते हैं, ऑफर होते हैं, वो लोग वहाँ से बताते रहते हैं, हम लोग उसी हिसाब से इसको। अच्छा, फ्रेंचाइजी कैसे लिया आपने, मतलब कितना कॉस्ट लगा इसका? 2.5 लाख। 2.5 लाख फ्रेंचाइजी कॉस्ट, बाकी जो भी माल लिया आपने वो जी, आप, वो, अपने वो पैसे से। जी। कितना का इन्वेस्ट किया टोटल आपने, कितना माल लिया? 18 से हम लोगों ने शुरू किया था और 26 तक पहुंच चुका है। 26 लाख तक अभी। तो ये फ्रेंचाइजी कॉस्ट जो 2.5 लाख होता है, 2.5 लाख में क्या क्या कंपनी देती है? 2.5 लाख में हमारा जितना भी ब्रांड हुआ, एड हुआ, आपके बोर्ड जो देख रहे हैं आप 7 हेवन का, वो वहाँ से आके जो स्टाफ जो वहाँ से आया उनका जो भी खर्चा आया, मतलब जो भी खर्च उनका आया ये सब अरेंज करने का, वो खर्च हमसे नहीं लिया, मतलब मटेरियल का खर्च। मतलब 2.5 लाख लेने के बाद कंपनी आपको ये सारा अरेंजमेंट क्या क्या उसमें रहेगा, कैमरा वगैरह सब आपने लगाया कि वो? नहीं, कैमरा उसका पेमेंट हम अलग से किए थे, लेकिन 2.5 लाख में क्या क्या? 2.5 लाख में हमारा ब्रांड का काम उन्होंने किया, मेरे लिए ऐड किया, हमारे अभी जो गिफ्ट आइटम भेज रहे हैं वो सब उसी में है, वही कर रहे हैं। मतलब प्रचार प्रसार प्रमोशन, प्रचार प्रसार प्रमोशन जो भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग के स्टाफ आज जो यहाँ आए उनका खर्चा सब उन्होंने ही दिया। स्टाफ अभी भी हैं कि कितने दिन के लिए थे? नहीं, स्टाफ उस समय लगभग 25 दिन के लिए आए थे जो ओपनिंग करा के, उसके बाद हम लोगों को सारा ट्रेनिंग दे के डाटा एंट्री जितने भी सामान आप देख रहे हैं सारा का डाटा एंट्री उन्होंने ही किया था। मतलब 2.5 लाख में एक तरह ये कह सकते हैं कि आपको जीरो नॉलेज था, जीरो नॉलेज था, पूरा ट्रेनिंग देना कैसे चलाना है, कैसे अरेंज करना है। अभी भी बीच बीच में जैसे कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उनको फोन कर लेते हैं, वो लोग वहाँ से ट्रेनर को नंबर दे देते हैं, हम लोग बात करके वो समस्या। अभी आप माल कैसे मंगाते हो? अभी माल हमारा डिस्ट्रीब्यूटर से भी आता है और उन लोगों का भी है कि जल्दी ही उन लोगों के द्वारा भी आया और अभी आया भी है। मतलब 7 हेवन से जुड़ने के बाद आप पैसा तो आपका लगा, सब माल तो आप दे रहे हैं, उनको भी आपने फ्रेंचाइजी फी दिया, आगे मतलब हम अपने व्यूअर से कह सकते हैं कि 7 हेवन के साथ जुड़ना सही है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिसे कुछ भी नॉलेज नहीं है उसे हम सारा नॉलेज उन्होंने बैठा के अच्छे से मतलब कि उन्होंने दिया, और जब भी कभी प्रॉब्लम होती है तो वो लोग एक बार में फोन उठाते हैं, 3-4 नंबर कंपनी का सपोर्ट रहता है और 3-4 नंबर इसीलिए है कि अगर वो नहीं उठाए तो वो लोगों को कुछ नहीं था। कोविड से पहले हमको कोई इसका आइडिया नहीं था, कोविड के बाद हम लोग ने सोचा कि क्या किया जाए, तो फिर यही यूट्यूब पे देखे, यूट्यूब के माध्यम से सब कुछ देखे, तो हम लोग बहुत से सारी कंपनी देखे, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ऑथेंटिक लगा। हाँ, फ्रेंचाइजी कॉस्ट भी अफोर्डेबल था, फ्रेंचाइजी कॉस्ट भी था और इनके बातों से मुझे लगा कि नहीं ये सही इनके साथ जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए। तो फाइनली मैम हमारे व्यूअर से आप क्या कहना चाहेंगे 7 हेवन के बारे में? अगर किन्हीं को भी ये अगर खोलना है तो एकदम से निश्चिंत होकर 7 हेवन से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग 11 महीने से जुड़े हुए हैं और अभी तक जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आई हो तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया है मुझे। बिल्कुल, काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि वो काफी सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनके पास पैसे तो होता है, काफी सारे लोग कमेंट करते हैं भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कौन सा बिजनेस करूं, मुझे आइडिया नहीं है कैसे शुरुआत करें। अगर किसी चीज़ के बारे में बताया भी जाता है कि भाई ये शुरुआत करें, तो उनको जीरो नॉलेज होता है उन चीज़ों के बारे में, भाई हम कैसे शुरुआत करें, कैसे चलाएंगे, शुरुआती के दिनों में कैसे हम उसको हैंडल कर पाएंगे जब जहां हमें जीरो नॉलेज है। तो इसमें ये कंपनी पूरी मदद करती है, 7 हेवन के नाम से आप मिनी मॉल सुपर मार्केट की शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी कॉस्ट, काफ़ी सारी कंपनियों के बारे में हमने पता किया, फ्रेंचाइजी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ब्रांड आपने सुना होगा। 7 हेवन एक काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनी है और आज आप पटना में देख रहे हैं, काफ़ी सारे शहरों में ये फैल चुकी है। 7 हेवन के नाम से आप अपने शहर में भी शुरुआत कर सकते हैं, कंपनी का फुल सपोर्ट, पूरा ट्रेनिंग, पूरा स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ रह के कैसे शुरुआत कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का सपोर्ट, पूरा डिटेल A to Z। आपको जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं पता, आपको बस फ्रेंचाइजी को 2.5 लाख रुपए देने हैं, माल ले आना है और पूरा चलाने की जिम्मेवारी 7 हेवन की हो जाती है, पूरा कैसे इसकी शुरुआत करनी है। तो कुछ भी इंक्वायरी चाहिए 7 हेवन के बारे में, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, वहाँ का एड्रेस दे दूंगा ऑफिस का, या स्क्रीन पर आपको नंबर मिल रहा होगा, आप सीधे कॉल करके कैसे इसका फ्रेंचाइजी ले सकते हैं पूरा डिटेल बात कर सकते हैं। बाकी आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताइए, और कुछ भी सुझाव हो हमारे लिए तो उसे भी कमेंट से जरूर लिखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।